मनजीत सिंह डोगरा, पूर्व विधायक बड़सर चुनाव क्षेत्र। मैं अपनी ओर से समस्त हिमाचल वासियों को एवं बड़सर के सभी भाई बहनों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चित्रगुप्ताय स्वाहा, यमराजाय स्वाहा, 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 स्वाहा। में उपस्थित हैं, इन्होंने भी आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। और हमीरपुर जिला के जवान पिछले 2-3 सालों में लगातार आपने देखे होंगे बहुत सारे शहादत को प्राप्त हुए हैं। और एक तरफ ये हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं जहाँ पर हमें गर्व भी होता है, लेकिन अगर परिवार को देखते हैं तो दुख भी होता है। दोनों ही परिस्थितियों में कुछ कहने लायक शब्द नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे बीच में विधायक इंद्र लखनपाल जी सर, आज एक और जवान हमारे शहीद हुए हैं और बड़सर के लिए वैसे ही बड़े गर्व की बात है कि देश के लिए किसी न किसी रूप से शहीद हुए हैं, लेकिन फिर भी परिवार को लेकर किस तरह से आपकी संवेदनाएँ हैं और क्या आप इस पल पर कहना चाहेंगे? आज जहाँ एक वीर सपूत ने इस देश की रक्षा के लिए प्राण निछावर किए वो हमारे लिए एक गर्व की बात है। लेकिन जहाँ तक परिवार की बात है, उनको दुख तो है ही है, साथ में सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों भी आज गमगीन हैं। और जिस जज्बे के साथ इस बहादुर सिपाही ने इस देश के लिए अपनी जान निछावर की है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और जो एक पीड़ा उनके परिवार को उनके जाने से हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम उन्हें संवेदना प्रकट करना चाहेंगे। आज के इस दिन में कि इतिहास में कुछ ही लोग होते हैं जिनके नाम, और इस बीच बीच में उनकी माता को, उनके पिता को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को और सभी इनके सभी संबंधियों को आज हम संवेदना प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं इस दुख की घड़ी में इन्हें ईश्वर जो है शक्ति दे, इस वेदना को सहन करने की शक्ति दे और इनकी आत्मा को जो है जी। लखनपाल जी, तो जैसा कि लखनपाल जी ने भी यहाँ कहा और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, अपनी दो छोटी बेटी